अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आई होप आप सब खैरियत से होंगे और मेरे व्लॉग्स भी देख रहे होंगे। लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें। आज है हैप्पी न्यू ईयर, तो मैंने सोचा कि यार एक केक काटा जाए घर पे और एक केक काटा जाए HKWS रिहेबिलिटेशन सेंटर पे। मिनट, तो पहला केक काटेंगे हम घर पे, उसके बाद जाएंगे HKWS पे, वहां पे भी केक काटेंगे। एक यार एक ये कर दें, सही है, और एक ये कर दें साजू। ये ना ठीक है, पहला केक कट गया घर पे, उसके बाद आगे है HKWS रिहेबिलिटेशन सेंटर पे। हमने बोला यार न्यू ईयर तो मनाना ही चाहिए इन लोगों के साथ, ठीक है घर पे हो गई। साजिद भाई को भी कॉल करके बुलाया, डॉक्टर साहब मौजूद थे पहले, अली वारिस को भी कॉल करके बुलाया। सजाद भाई तो ऑलरेडी इनके साथ होते हैं और जरार साहिब भी आ गए, ये जरी अब्बास को भी लेके आ गए हम। ये माशाल्लाह HKWS का केक, और अब बस तैयारी मुकम्मल हो गई है, अब काटते हैं केक को। माशाल्लाह। मैं साजिद बंगी, मैं यहाँ पे जो है वो हाउस रिहेबिलिटेशन सेंटर में लेक्चर्स भी देता हूँ, और आज मैं हम हमारे जितने भाई हैं, सज्जाद भाई, फरहान भाई, डॉक्टर काजिम शहरी, साजिद भाई, अनीस भाई, अली वारिस, और जितने हमारे पीछे दोस्त हैं जो मेरे भाई हैं, मैं अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि अल्लाह पाक ने 2022 की 365 दिन बड़े एहतराम, इज्जत, शोहरत अल्लाह पाक ने हमें उसमें दी और हमें जिल्लत और रसवाई से बचाया, और अब चंद ही लगे बचे हैं जो हम 2023 में शिफ्ट हो जाएंगे, और आने वाले वक्त के लिए हम मोहम्मद आले मोहम्मद के तुफेल 12 इमाम 14 मासूमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफेल अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज करते हैं, या अल्लाह या मौला मोहम्मद आले मोहम्मद के तुफेल हमारे कितने ये दोस्त हैं जो इस हॉस्पिटल में एडमिट है या कहीं किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट है, मौला मोहम्मद आले मोहम्मद के तुफेल हमारे नौजवान नस्ल को इस मूजी मर्द से जान छुड़ा। आमीन। अल्लाह पाक अपने महबूब के सबके जितने भी नौजवान, जितनी भी फैमिलीज इस नशे की वजह से परेशान है, परवरदिगार इस नशे की लत से हमें तमाम लोगों को जान छुड़ा। आमीन। ये माशाल्लाह न्यू ईयर का केक कट गया अपने भाइयों के साथ, और इसके बाद जो है वो एक गाना लगाया जाएगा न्यू ईयर का, उस पर सारे भाई हमारे डांस करेंगे और वो भी आपसे वीडियो हम शेयर करेंगे। अनीस भाई खा रहा है, चलो शेरी के खा रहा है, शेरी के खा रहा है। ये माशाल्लाह अनीस भाई अपने कुंवारे हाथों से केक बांट रहे हैं सबको, और ये मुस्तफा भाई जो है ये भी बेहतरीन तरीके से केक बांट रहे हैं, ये जरार ने भी केक ले लिया है। मशरू भाई क्या कर रहे हो? और हस्बे मामूल सब मोबाइल में लगे हैं माशाल्लाह। अली वारिस ने रख दी यार, वीडियो बनाता हूँ ना मैं, ये मोबाइल रख देते हैं। साजिद भाई ने भी रख दी, डॉक्टर साहब लगे हैं, साजिद साहब पानी पी रहे हैं। जरार आपने एंजॉय किया, मजा आया क्या? डांस की बोले हैप्पी न्यू ईयर लिखी है ये पहली दुआ, इलाही दिखा करबला। नए साल की सबके लिए दुआ, या अल्लाह मक्का दिखा, मदीना दिखा, करबला दिखा, सारी ज्यारतें हों और सबका नया साल अच्छा गुजरे, हमारा भी नया साल अच्छा गुजरे, जो दोस्त मेरे बैठे हैं अल्लाह ताला उनका भी नया साल अच्छा गुजरे। केक वेक कटने के बाद आगे ऑफिस पे,
तो साजिद घर से फोन आ गया कि साजिद आ जाओ बुसरी बनाइए। तो मैंने साजिद बोला यार अकेले नहीं जाना, मैं आपके साथ चल रहा हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ बुसरी का बड़ा शौकीन हूँ। बुसरी एक रोटी होती है, उसमें मक्खन डालते हैं, गुड़ डालते हैं और उसको वो बनाते हैं, तो वो बुसरी हो जाती है। उसको हम सिंधी में बोलते हैं बुसरी, आप उर्दू में उसको मीठी रोटी कह सकते हैं, गुड़ वाली रोटी कह सकते हैं। तो अभी हम जाते हैं साजिद के घर पे और बुसरी बुसरी खाते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि बुसरी किस तरह। ये आ गई माशाल्लाह बुसरी गुड़ और मक्खन के साथ, क्या बात है। थैंक यू यार साजिद भाई, आपने इतनी सर्दी में हमारे लिए ये एहतमाम किया। यार लोगों का प्यार है सर। बुसरी खा ली, उसके बाद हमने साजिद से फरमाइश की यार बुसरी के साथ बात जो है ना चाय भी होनी चाहिए। ये माशाल्लाह चाय भी आ गई। जियो साजिद भाई जियो, क्या बात है जियो, बेहतरीन। बुसरी हो उसके पास चाय ना हो तो फिर क्या हो, चाय तो लाजमी होनी चाहिए। और मेरे सर में भी दर्द था, मैंने साजिद से यही बोला कि यार चाय चलते हैं पीने। तो ये अचानक से इसको कॉल आ गई घर से, घर वालों ने बोला कि यार आ जाओ बुसरी रेडी है। तो ये अकेले जाने लगे, मतलब अकेले नहीं जाना, मैं भी चलूँगा साथ में। और फिर जो है ना इसने मेहरबानी की और बुसरी के बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह चाय पी रहे हैं साजिद के घर पे। हाँ डॉक्टर साहब की भी मेहरबानी, उन्होंने टाइम दिया। My appetite, don't leave me alive.